भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने अपनी हार स्वीकार करते हुए इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। चुनाव में धांधली हुई है और एक ईवीएम मशीन को भी उन्होंने बताया कि वह पहले से सील बंद नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कई ऐसे भाजपा समर्थक को मतदान करने से वंचित कर दिया गया। प्रत्येक बूथों से 2530 भाजपा समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। वे यह वैसे भाजपा समर्थक थे जिन्होंने हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया था। उन्हें इस बार उपचुनाव में मत का प्रयोग करने से वंचित कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहाथी की कुछ जीत के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी हैं। गंगोत्री जी इसके लिए आप तैयार थी? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जनता जनार्दन का आशीर्वाद और इसे शिरोधार्य करना हमारा। कहां चुप हो गए? पहले अगर आपको टिकट की घोषणा होती उसका फायदा मिलता है? हाथ पीछे करिए, ये भी बात भी सही है कि जो वर्तमान विधायक थे तो उनका एक जो फील था वो तो था ही था, एक अवसर था, चलिए अपना बेहतर करने का प्रयास किए, जो भी समय था उसमें अपना बेहतर। अच्छा, एक सवाल आ रहा है गंगोत्री जी, ये हार गंगोत्री जी की है या पार्टी की है? बाबूलाल मरांडी की है, दीपक प्रकाश की है, अर्जुन मुंडा की है, बड़े बड़े नेता आपके लिए आए? देखिए संगठन है उसमें कहीं ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हम कैंडिडेट हैं, लेकिन इसका पूरे ये मैं अपने ऊपर ये आप मानती है कमी रह गई। अच्छा, आप चुनाव में बार बार बोलती थी, मैं देख रहा हूँ जहाँ भी जाती थी बोलती थी कि एक मौका दीजिए, जो पिछली बार मैं नहीं आ पाती थी आप लोगों की शिकायत रहती थी, अब आपको फिर से मौका मिल रहा है कि आपको जाना। बिल्कुल, मेरा ये ड्यूटी है जनता के लिए, जो भी अपना अपने तरफ से जो वादा रहता है, अपने तरफ से जो प्रॉमिस रहता है, तो उसके लिए मेरा काम वही है, तो उनके पास जाना ही है और उनके लिए काम करना है। आप नहीं जा रही थी तो इसका नहीं, इसका मैं नहीं जा रही थी ऐसी बात नहीं, शिकायत आप कहती थी, शिकायत नहीं था, लेकिन 2 वर्ष से चूँकि वर्तमान में जो विधायक और 2 वर्ष से कोरोना काल था, कोरोना काल में भी मैंने आपने स्वयं ही अपने ये पे देखा है कि 67 डेज का जो मेरा कार्य रहा है तो आप लोगों ने भी सराहा है उस कार्य को, और ऐसा नहीं कि उनके पास जाना नहीं हुआ, लेकिन शायद ऐसा मुझे फील होता है कि वर्तमान और ये मैं उनको ये लगा कि मैं वो, तो इसलिए लगातार उनके बीच जाना चाहिए था। आगे दीदी क्या करेंगे? आगे बस उपाध्यक्ष भी है प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते पार्टी का जो कार्य है वो मैं करूँगी, लेकिन जनता के बीच जो मेरा रिश्ता है वो निरंतर जीवन पर्यंत कायम रहेगा और उस पर काम। थैंक यू।